शहरों कस्बों गली चौराहे में हर जगह आजकल फिल्म फिल्मी गाने नागपुरी गाने वीडियो आदि डाउनलोड किया जाता है। मेरा दोस्त भी इन चीज़ों का डाउनलोड जरूर करते हैं, साथ ही समुदाय की अनसुनी बातों पर आधारित वीडियो लोगों में मुफ्त में बांटते हैं, समुदाय के लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। इनका नाम है जय सिंह कायम। पिछले 2012 में इंडिया अनहर्ड सामुदायिक संवाददाता चयन में आए थे। चयन तो नहीं हुआ, लेकिन पूरा प्रशिक्षण लेने का मौका मिला। प्रशिक्षण के बाद ही घर वापस लौटने के बाद अपना स्टूडियो खोल लिया, लैपटॉप खरीदा, अपने से ही फोटोशॉप और इंटरनेट से आधार कार्ड डाउनलोड आदि का काम करते हैं। मैं इंडिया अनहर्ड में सीसी सिलेक्शन 2012 में रांची बगीचा में भाग लिया था। सिलेक्शन तो नहीं हुआ, लेकिन प्रशिक्षण का मौका मुझे मिला। इंडिया अनहर्ड प्रशिक्षण में भाग लेने के बाद मेरा ज़िंदगी कुछ बदल गया। वहाँ ट्रेनिंग नहीं लेता तो आज मैं क्या होता खुद को भी पता नहीं चलता। मैं ज़िंदगी में कभी कंप्यूटर सीखने का या पकड़ने का मौका मिलेगा इसे सोचा भी नहीं था, लेकिन अभी मैं अपने से लैपटॉप खरीद के बिना बेसिक ट्रेनिंग किए फोटोशॉप में और इंटरनेट अपने से चला लेता हूँ। अभी भी इंडिया अनहर्ड से जुड़ा हूँ और यहाँ गाना वगैरह भी डाउनलोड करता हूँ। तो वहाँ फिल्म गाना डाउनलोड करने के बाद एक मूवी इंडिया अनहर्ड का फ्री में डाउनलोड कर देता हूँ। एक स्क्रीनिंग के दौरान किसी तरह एसपी को पता चल गया, जो जेवियर हम शहर में जो बनाए थे नक्सलियों के विरोध में, उसके बाद हमको बुलाया एसपी के साथ बहुत कुछ बकझक भी हो गया। मैं इंडिया अनहर्ड में स्टालिन जी जो निदेशक हैं उसका जो बात है उसका यह से पूरा प्रभाव हो गया। मैं ज़िंदगी में कैसे बदलाव आता है उसने बताया, करीब से बताया, और मैं उसका अपना क्या बोलूँ गुरु मान के काम कर अपना दिल में अभी भी याद करता हूँ कि कहीं भी हो तो मैं अपने दिल से उसको देखता हूँ।